VM टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरी वीडियो को सबसे जल्दी पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, VM टेक्निकल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका वरुण मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इस वीडियो का टॉपिक है, ये कोई टेक टिप या ट्रिक या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक तरीके का अलर्ट है टेक की दुनिया से। क्योंकि इस वीडियो को मैंने बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये एक ऑनलाइन कहीं ना कहीं से जुड़ा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करेगा, और मुझे लगता है कि ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी भी है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई गेम आपकी जान ले सकता है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कोई गेम खेल रहे हैं वो आपकी जान ले सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप शॉक होंगे, आपको लगेगा कि कोई गेम कैसे एक जान ले सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इस गेम का नाम है ब्लू व्हेल। ये गेम जो है रशिया से आया और इसको बनाने वाले का नाम है फिलिप बुडेकिन ने एक गेम बनाया जो कि रशिया में काफ़ी पॉपुलर होता गया। पॉपुलर कहें या फिर ये जो टीनेजर्स होते हैं, जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं 16 साल 14 साल, ये ज़्यादा डाउनलोड करना इन्होंने शुरू किया। अब इससे दिक्कत ये हुई कि वो आत्महत्याएं करने लगे। अब आप सोचोगे गेम खेलने से आत्महत्याएं क्यों? दोस्तों, ये गेम कुछ ऐसा था कि आपको 50 दिन तक चैलेंज दिया जाता था। चैलेंज कुछ ऐसे होते थे जैसे आपको अपने हाथ पे कट मार लेना, 4:30 बजे उठ के हॉरर मूवीज देखना, और क्रेन पे चढ़ जाना, वेल बना लेना, और आखिरी 50वें दिन इसका जो एंड होता था, यानी कि जो टास्क दिया जाता था और जो लास्ट टास्क होता था, वो अपने आप को मार लेना होता था। इंडिया में पहला मामला आया है 30 जुलाई को, जिसमें एक 14 साल के बच्चे जो 9वीं क्लास में पढ़ता था, उसने अपनी सोसाइटी की छत से कूद के जान दे दी। तो मैं इस वजह से अवेयर आप लोगों को करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे आसपास टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, कि हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे माँ बाप हैं, वो माँ बाप बच्चों को इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जैसे बच्चों से ही, जैसे बच्चा आज की जनरेशन में पैदा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की तरफ या फ़ोन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। इस गेम की वजह से करीब 250 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, कहीं ना कहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वजहों से। ये गेम कुछ इस तरीके का था कि आपके दिमागों पर, आपके दिमाग पर एकदम कब्जा सा कर ले रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ऐसी कौन सी अवस्था होगी कि जिसमें वो बच्चा अपने आप को मार देना चाहता है। ऐसा मेंटल प्रेशर कहें या फिर ये कुछ इस तरीके का था कि जैसे आप अपने आप को समझ लें कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मुझे कौन पसंद कर रहा है। तो ये गेम डाउनलोड करने के जो उनको टास्क दिए जाते थे, तो उन्हें लगता था कि ये कुछ एक थ्रिलिंग कर रहे हैं, जैसे उनकी लाइफ में फ़न ख़त्म हो गया हो और आप कहना चाह रहे हो कि मैं थ्रिल कैसे करूं। कहीं ना कहीं वो जो क्यूरेटर था, मतलब जो बनाने वाला था, उनका क्रिएटर था सॉरी, वो उनको बोलता था कि आप कट मारिए और मेरे पास फोटोज़ भेजिए। कुछ इस तरीके और टास्क भी थे जो आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ। मेरे बस कहने का मतलब ये था कि जो आज की सोसाइटी है, हम देख रहे हैं कि पहले आपने देखा होगा कि बच्चे सुबह शाम को 4 बजे जाते थे बाहर खेलने जाते थे, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी। स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी ने हमारे दिलो दिमाग पर इतना कब्जा नहीं किया था। पर आज के टाइम में आप देखिए, बच्चे बहुत ही कम हो गए हैं कि जो बाहर खेलना पसंद करते हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, पर अब फ़ोन ने कब्ज़ा कर लिया। छोटे छोटे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे फ़ोन ले लीजिए, फ़ोन उन्हें दीजिए कोई बात नहीं, पर उन पर थोड़ी सी नज़र की। नज़र का मतलब ये नहीं कि उनकी प्राइवेसी पर कुछ इम्पैक्ट पड़े, कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कहीं वो भूला भटका या फिर खामोश तो नहीं रह रहा, या फिर कहीं ऐसा हो जो आपको बताना चाह रहा हो नहीं बता पा रहा। क्योंकि जो मुंबई में सुसाइड हुआ, जो सुसाइड किया गया उस बच्चे के द्वारा, वो उसने अपने दोस्तों को बताया था, पर शायद उस तरीके से उसके दोस्तों ने नहीं लिया। उसने बताया था कि कोई अंकल मुझे हटने के लिए कह रहे हैं और जब वो हटेंगे तो मैं कूद जाऊँगा। तो उसके दिलो दिमाग पर इस कदर वो गेम हावी था कि वो अपने डिसीजन उस तरीके से नहीं ले पा रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी भी है, इसके कई फायदे भी होते हैं और साथ के साथ नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों, ये एक नुकसान था क्योंकि ये जो गेम था, ये खासकर कई तरीके के गेम्स बने, जैसे पोकेमोन गो का भी आप उदाहरण ले सकते हैं कि उसके चक्कर में हम लोग खेलते खेलते इतना गुम हो जाए थे, कई सारे विदेशों में खासकर एक्सीडेंट के कई केसेस आए, हम भूल से गए थे कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बस हम पोकेमोन पकड़ रहे थे। बट मैं आप लोगों को इसलिए अलर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के छोटे बच्चे
या फिर दोस्त भाई बहन जो टीनेज में है उनको कुछ माहौल ऐसा चाहिए है कि लाइक आप उनसे बात करिए हर रोज आधे घंटे, जरूर आधे घंटे का सही, पर उसको उनको समय दीजिए ताकि वो उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना ना खो जाएं कि उन्हें कुछ अपने डिसीजन समझ ना आए। तो दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए, खासकर जैसे ये टीन एज होता है इसमें आपको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसे अलग हो जाऊं, या फिर कुछ उन्हें थ्रिल चाहिए होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप माँ बाप होते हैं घर में, उनकी एक नेचुरल सी लाइफ नहीं रहती है, वो गैजेट्स कैमरा लैपटॉप पीसी कहीं ना कहीं से एक तरीके से वो उस दुनिया को पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यही मेरी एक दुनिया है। तो इसमें बच्चे खासकर जो टीन एज के बच्चे होते हैं वो भटकते हैं, जरूर भटकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही चीज अच्छी है। फिर वो ऐसे जो सकारात्मक जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में हमारी इस दुनिया में इस चीज का फायदा उठाते हैं ताकि वो इस दुनिया को खराब कर सके, खत्म कर सके। तो दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये बात सही है, ये कहीं ना कहीं बातें सही भी हो सकती हैं या सही होंगी, या आपको जैसा भी लगता हो, मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव अपने जरूर दें और मेरे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर तक अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही कुछ टेक की वीडियोस लाता रहूंगा, टेक की बातें बताता रहूंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।